प्रधान ने दिखाई दबंगई, बहुभोज में जमकर किया उत्पात, रिश्तेदारों को बुरी तरह पीटा, पुलिस पर लगा कार्रवाई ना करने का आरोप। सुल्तानपुर में अच्छी खासी शादी हुई, दुल्हन घर आई और फिर बहुभोज की तैयारी शुरू हुई। सारे रिश्तेदार अभी घर पर ही थे, लेकिन यहाँ के प्रधान को इस घर की खुशी रास नहीं आई। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद पीड़ित परिवार ने अपने ही गांव के प्रधान पर ये आरोप लगाए हैं। ये लोग सिर्फ प्रधान पर ही नहीं बल्कि पुलिस पर भी कोई कार्रवाई ना करने का आरोप लगा रहे हैं। पूरा मामला कोतवाली देहात के किनौरा गांव का बताया जा रहा है, जहां रहने वाली अमरावती और उनका परिवार न्याय की आस में अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। आरोप लगाते हुए पीड़ित का कहना है कि मौजूदा प्रधान की उनसे पुरानी रंजिश है, इसीलिए बीते दिन उनके यहां बहुभोज में प्रधान मनीष यादव अपने गुर्गों के साथ आए और फिर पूरे खाने में मिट्टी डालते हुए उसे खराब कर दिया। साथ ही साथ इन आरोपियों ने उनके परिवार की पिटाई भी की। इन लोगों ने यहाँ पीड़ित के रिश्तेदारों को बुरी तरह पीटा और घायल कर दिया। इसके बाद जब पीड़ित परिवार ने डायल 112 को सूचना दी, तब जाकर कहीं मारपीट का मामला शांत हुआ, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बंदूक के बल पे फायरिंग किए, सारे रिश्तेदार को मरा दिए। उसके बाद फिर खाने में जहर डाल के मिट्टी डाली, इसलिए एक चलने लगी, होने लगा, लाठी डंडों से मारे, काफ़ी मिट्टी आई। मेरी सिस्टर माता जी को, माता जी को, मेरे भाई को, मेरे रिश्तेदार बहन ही रखे हैं, उनको भी याद मिले आते लगा। कौन लोग हैं वो? मनीष कुमार यादव प्रधान मौके पर, उनका भाई है संदीप कुमार यादव, और 10-15 लोग अज्ञात थे, नाम पता नहीं है, पता नहीं कहाँ थे। क्या पुरानी रंजिश है प्रधानी को लेके? आप तो पहले क्या मामला है प्रधान, आप प्रधानी को लेकर है क्या? अब हम लोग जो है पढ़े लिख रहे हैं, उनकी राजनीति जानते हैं, वो चाहते हैं कि लोग ना जाने, इसी चक्कर में जो है इधर से उधर लड़ाई के चक्कर में जो है काम करते हैं। थाने पे गए थे कल, उनका जो है कहे जाओ सुबह आना, सुबह गए तो कुछ भी नहीं हुआ। कौन थाना है आपका? आप यहाँ कहाँ पे आए हैं? यहाँ एस पी गए थे, लेकिन एस पी साहब मिले नहीं, डीएम साहब के पास आए थे भी नहीं। पीड़ित का आरोप है कि इसके पहले भी उन्होंने प्रधान की एक मामले में शिकायत की थी, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा अब वो एसपी और डीएम के पास शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई। पीड़ित परिवार की महिलाएं भी इस मामले की शिकायत करने आईं और उन्होंने बताया कि किस तरह उनके परिवार के साथ इस मारपीट को अंजाम दिया गया। इस मारपीट से पूरा का पूरा परिवार खौफजदा है। इनका आरोप है कि प्रधान ने इन लोगों को जान से मारने की धमकी तक दी है, इसीलिए इनके पूरे परिवार को डर है कि कभी भी कोई बड़ी वारदात पेश आ सकती है। सुल्तानपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।